नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। हमीरपुर जिला अस्पताल में रात की ड्यूटी देने वाले स्टाफ की लापरवाही फिर उजागर हुई है। हाथ में हंसिया लगने की वजह से रात में टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने आई किशोरी की कमर में फार्मासिस्ट ने लापरवाही पूर्वक इंजेक्शन लगाया। इसकी वजह से इंजेक्शन की निडेल किशोरी की कमर में ही चुभी रह गई। घर पहुंची किशोरी ने कमर में चुभन के साथ तेज दर्द की शिकायत की तो माने देखा तो निडेल कमर में चुभी हुई थी। इस लापरवाही को देखकर परिजन दंग रह गए। उन्होंने वापस आकर शिकायत की तो स्टाफ ने उल्टा धमकाना शुरू कर दिया। शहर के खालेपुरा मोहल्ला निवासी मौसम खान ने बताया कि उनकी 18 वर्षीय पुत्री महक के हाथ में शाम को काम करते समय हंसिया लग गया था। रात करीब 9 बजे के आसपास वह पुत्री को लेकर टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने आए। इंजेक्शन भी बाहर से खरीद कर लाना पड़ा। ड्यूटी में तैनात फार्मासिस्ट ने कमर में इंजेक्शन लगाने के बाद घर भेज दिया। घर आने के कुछ देर बाद पुत्री को कमर में तेज दर्द उठा और तेज चुभन सी महसूस हुई। उसे चलने में भी दिक्कत हो रही थी। पुत्री ने माँ रूबी से तकलीफ बताई तो माँ ने कपड़े हटाकर जब देखा तो महक की कमर में निडिल सुई चुभी हुई थी। उसका कैप भी अलग से दिख रहा था। अस्पताल की इस लापरवाही को देखकर परिजन दंग रह गए। पिता महक को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा और इंजेक्शन लगाने वाले फार्मासिस्ट से शिकायत की तो उसने कहा कि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पीड़ित पिता ने इस लापरवाही पर दोषी फार्मासिस्ट के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। नाम है आपका? क्या घटना हुई है? हाथ में लग गई थी चोट। किसके लग गई थी, क्या हुआ? लड़की की सरिया लग गई थी तो इंजेक्शन टिटनेस का लगवाने आए थे तो उन्होंने जो है तो सिरिंज निकालना भूल गए, फिर एक घंटे बाद सिरिंज निकाली। कहाँ आए थे आप इंजेक्शन को? यही सरकारी अस्पताल में। किसने लगाए थे? कंप्यूटर ने लगाया था। मौसम खान, क्या घटना हुई है? सर जो है हमारे जो है लड़की के हाथ में हंसिया लग गया था तो ये जो इंजेक्शन लगवाई थी टिटनेस वाला, ठीक है सर, इसके बाद में जो घर गई, इसके बाद में इसके दर्द हुआ एक घंटे के बाद में। अब हमको पता नहीं कि दर्द कैसे हुई रहा है। हमने देखा है कहा मेरे पास जो बहुत दर्द हुई रहा था, हमने देखा जब तो इंजेक्शन जो है इसके अंदर घुसा था, ये इंजेक्शन ये घुसा था अंदर, तो हमने कहा ये तो बहुत गंभीर बात है। हमने इंजेक्शन निकाला, जब इंजेक्शन निकाला तो इसकी हालत जो है ख़राब हो गई। जब हालत ख़राब होगी तो फिर चिकित्सालय अस्पताल लाए, सरकारी अस्पताल। इसके बाद में कंप्यूटर जो है लगाया था जो इंजेक्शन, तो कहा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये सर जो है उसने कहा कि कोई जिम्मेदारी नहीं हमारी।